तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कोडिंग पहले से लिख रखी है। मैंने जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताई थी कि हम एक क्लास बना लेंगे, पैरेंट क्लास, उसमें हम वो उन दोनों चीज़ों को, क्योंकि टाइम को थोड़ा कम लगाना है, क्योंकि वीडियोस में, क्योंकि जो इन टाइप की वीडियोस बनते हैं प्रोग्रामिंग की, जो भी इसमें थोड़ा कम ही टाइम लगे तो ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ होती हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी आता है देखने में। हमने ये बनाया है, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में, आपको स्लाइड्स में मैंने आपको बता दिया था। तो सिंपल मैंने वही काम किया है, एक्सटेंड मेथड मैंने लगा के यूज़ किया उनको। बट आप एक चीज़ यहाँ पे देखना, चलो ठीक है, ये लेग स्पेस की चीज़ें हैं, ये सब चीज़, तो हम इसे कॉल कैसे करेंगे नीचे फोन से? हमने डिफाइन तो कर लिया, बट हम इसे नीचे यूज़ कैसे करेंगे? चलिए तो मैं बताता हूँ आपको, तो इसको नीचे यूज़ कैसे करेंगे। वायर्ड मेन, ओके, वायर्ड मेन में आप आ जाओ, क्रिएट कर लो अपना मेन फंक्शन, अब यूज़ करो इसे। पहला हमारा क्या है, हमें यूज़ करना है जी सिंपल कार्गो, सिंपल कार्गो है ना, सिंपल कार्गो हमें यूज़ करना है। तो चलो हम कर लेते हैं व्हीकल वन इज इक्वल टू सिंपल कार, ठीक है। अब हम कैसे यूज़ करेंगे इसे, व्हीकल, सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे व्हीकल को डिफाइन नहीं किया है, हमें वेरिएबल आगे डिफाइन करना होगा इससे कि हम ये जो हम व्हीकल ले रहे हैं ये क्या है। चलिए हो गया, कोई गल नहीं है। व्हीकल व्हीकल वन डॉट, देखो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, क्या आ रही है, कलर आ रही है, फ्यूल आ रही है, लेग स्पेस आ रही है। तो हमारा जो सिंपल कार है, इसमें हमने क्या डिफाइन कर रखा है, सिर्फ हमने लेग स्पेस डिफाइन कर रखा है, बट हमारे पास कलर और फ्यूल दोनों की ऑप्शन आ रही है। तो ये कहाँ से आ रही है भाई? वहीं से आ रही है जहाँ पे हमने इसका पैरेंट बनाया है, ये पैरेंट से ये उन चीज़ों को ले रहा है, तो एक्सटेंड मेथड हमारा काम कर रहा है और हम सही थे, ठीक है। सो व्हीकल डॉट कलर, अब चलो हमने कलर कर दिया रेड, रेड, चलो हम प्रिंट करा देते हैं अपने कलर को, प्रिंट, प्रिंट कर दो व्हीकल, व्हीकल डॉट, कुछ स्पेलिंग में हुआ है, व्हीकल वन डॉट, अब करो डॉट, चलो कलर प्रिंट कर दो, डिबग करें। देखो कंसोल में आते, ये देखो रेड प्रिंट हो रहा है। चलो अब जो हमने यहाँ फ्यूल डिफाइन कर रखा है, चलो एक कॉमन कॉमन सा सेंस है, फ्यूल जो हमने डिफाइन कर रखा है, क्या फ्यूल हमारा दोनों कार का अलग होगा, होगा या नहीं होगा? बट फ्यूल हमारा कॉमन प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूल हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। बट जो चीज़ें हमें यहाँ पे देनी है कि नहीं यार ये चीज़ तो इसमें डिफरेंट होगी थोड़ी सी, हम ऐसे यूज कर सकते थे। हमने चलो हमने कलर को यूज किया, दोनों की अलग अलग कलर हो सकती है, सेम भी कलर हो सकती है भाई, सेम कलर की कार्स। तो व्हीकल टू इज इक्वल टू हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कार को, स्पोर्ट्स कार, और यहाँ पे हमें वेरिएबल लगा देना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे अब कैसे यूज़ करेंगे, व्हीकल टू डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, चेंज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने चेंज कर दिया इसे। चलो प्रिंट भी करा देते हैं, देखते हैं क्या आता है, प्रिंट करो, प्रिंट करो क्या, व्हीकल टू डॉट कलर को तुम प्रिंट करो, एंड चलो डिबग करते हैं। क्या आया, देखो रेड और ग्रीन दोनों आ गया। तो दो चीज़ें अलग अलग है बट हम प्रिंट कर सकते हैं। बट हाँ, अब ये है कि हमारा फ्यूल इसमें कंटेंट अलग हो सकता है, बट हमने फंक्शन बना लिया उसका, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि देखो कलर वाली जो चीज़ें हैं, रेड कलर का हम स्लॉट बना लेते हैं कार्स की, रेड कलर की कार इसमें, जैसे अगर हुंडई की कार्स है, कोई एक कंपनी की कार है, हुंडई i20 की रेड कलर की कार्स इतनी है, रेड की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये है, तो वैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एक कलर हम डिफाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं। बट हमने फंक्शन बना लिया फ्यूल का, अब दोनों के फ्यूल कंटेंट अलग है, ऐसा हो सकता है कि भाई हुंडई की एक मॉडल में फ्यूल 34 लीटर आ रही है, 100 लीटर आ रही है, वो उतनी आएगी, ठीक है। बट हमने दो अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा सिंपल कार स्पोर्ट्स, बट इसकी फ्यूल अलग हो सकती है, बट यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करो तुम बोथ
कार्स हैव फ्यूल, सॉरी फ्यूल कंटेंट। चलो तुम इसे प्रिंट कर दो। अब हम नीचे कॉल करते हैं उसे, करें व्हीकल वन डॉट फ्यूल, फ्यूल को हम कॉल करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। फ्यूल कंटेंट क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ फ्यूल कंटेंट, चलो यार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 200। तो ये देखो मैंने यहाँ 200 डाल दिया। तो अब मैं दोनों में कर, उसमें तो मैंने यहाँ कॉल कर रखा है ठीक है, अब मैं यहाँ भी कॉल करता हूँ उसे व्हीकल टू में भी, व्हीकल टू डॉट फ्यूल। अब आप देखोगे कि दोनों में वही चीज़ आ रही है, 200 लीटर 200 लीटर आई है। ये देखो फ्यूल कंटेंट 200, फ्यूल कंटेंट 200। अब इससे कैसे हम रिव्यू करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा आपके फंक्शन को, वायड फ्यूल प्रिंट कराना होगा हमें, फ्यूल कंटेंट 400 लीटर, एंड कॉपी कर लेते हैं इसी, इसमें डाल देते हैं। चलो यहाँ डाल, वायर इधर गया यार। चलो अब करें हम इसे डिबग, चेंज हो गई, सॉरी दोनों में 400 लीटर ही हो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक को चेंज कर दो, इसे कर दो 800 लीटर। अब डिबग करो, आ रही है चेंजेस 800 लीटर इसमें और 400 को। जब हम ऐसा कुछ डिफाइन करेंगे ना कि नहीं इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, तो हम इसे फंक्शन की तरह कोशिश करें ना ही डिफाइन करें, क्योंकि अगर फंक्शन की तरह डिफाइन कर देते तो उसमें हमें फिर से हमें सब कुछ मेंशन करना। चलो मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ सब कुछ हटा कर, ताकि एक स्क्रीन में फिट आ जाइए, बस आ तो नहीं रहा है। बट चलो देखो क्लास में, क्लास कार्ड ये क्या है, ये हमारा पैरेंट क्लास है, इसमें हमने फ्यूल कंटेंट लिख रखा है बट ओवरराइड हो रहा है इससे, देख रहे हो ना आप, इससे ओवरराइड हो रहा है। तो यहीं पे हमारा मीटर ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि जो इसमें पहले से मौजूद है हमने इसे ओवरराइड कर दिया यहाँ से। ये तो है पेरेंट क्लास, बट पेरेंट को उसके बच्चे की सुननी होती है, बच्चों को चाहिए जो, तो फिर पेरेंट को उसे सुनना है, वो मना नहीं कर सकता है, तो वही चीज़ ये कर रहा है ठीक है। सो सेम सी चीज़ें, और मुझे उम्मीद लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कोड में। कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, कहीं भी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो कोड में, तो अवॉइड करना ऐसी चीज़ों में। अगर आपको फंक्शन की यूज़ ना करो तो आप उसे ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का, ओवरराइडिंग का सॉरी कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। सॉरी इसमें एक और चीज़ रह गया था, जैसे कि मैंने फ्यूल कंटेंट यहाँ पे लिख कर छोड़ दिया था ठीक है। हमें इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे से हम यहाँ पे सीधा डाल सकते हैं 400 लीटर। बट हमें क्या करना होगा, पहले हमें ऊपर वाले क्लास के कॉल करना होगा, सुपर 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 फंक्शन का कॉल हो, सुपर डॉट फ्यूल ओके। देन जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो पहले ये फ्यूल कंटेंट कॉल होगा ठीक है, फ्यूल कंटेंट ये कॉल होगा, उसके बाद हमारे ये प्रिंट होगा। चलो करके देखते हैं हमारा कंसोल स्क्रीन कहाँ चला जाता है यार। देखो जब पहले फ्यूल कर, ये जो पहले वाला हमारा है उसमें ये देखो ऐसे कॉल हुआ हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट उसे प्रिंट कर रहा था। बट पहले हमारा क्या हुआ, पहले हमारा जो फंक्शन था, सॉरी पहले जो हमारा जो क्लास था, जो हमारा सुपर क्लास है, वो पहले कॉल हुआ, तो उसका फ्यूल कंटेंट कॉल हुआ। आफ्टर दैट हमने उसे
उसमें हमने फिर मेंशन किया अपने प्रिंट को इस फंक्शन के अंदर। तो पहले इसने उसको कॉल किया, वो आया, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके चला गया अपने प्रिंट फंक्शन को। उसके बाद ये इसने अपने प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम सुपर फंक्शन को भी यूज़ करके ऐसे कर सकते हैं, और सेम चीज़ें आप इसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि कलर के साथ हुआ, बाई डिफ़ॉल्ट आप कलर को यहाँ पे कलर को आप डाल के ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो रेड, और जब भी कलर उधर रेड आएगा। बट हाँ, फिर से अगर आपको इसे चेंज करना है, आप यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे डाल के यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू डाल दो आप कुछ भी ग्रीन। ओके, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्राउन कलर है, बट यहाँ पे मैंने ग्रीन डाल दिया, यहाँ पे मैंने रेड डाला। चलो इसे मैं कॉल जो कर रहा था ये मैं हटा देता हूँ। अब चलो हम इसे रन करते हैं। क्या था? ग्रीन आ रहा है, आ रहा है ना ग्रीन। सो सॉरी ये इसका ग्रीन आ रहा है, ऊपर वाला ग्रीन दे देना। मैंने प्रिंट कराया क्या उसे? यहाँ पे हमने तो कॉल किया ही नहीं है। व्हीकल वन डॉट कलर, मैंने व्हीकल वन में ही डाला है ना। चलो हम करते हैं, ये देखो ग्रीन आ गया, आया ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये छोटी सी चीज़ रह गई थी। चलिए, थैंक यू।